say, oh God, this is crazy. द टाटा पंच स्टोन एडिशन आप लोगों के सामने है। जो रिस्पॉन्स और जो व्यूज़ और एक से एक कमेंट जो आप लोग ने मुझे दिए हैं, द गोल्ड एडिशन वॉज ऑन द वाइट कलर कार, उसी कॉन्सेप्ट के साथ, उसी दिलचस्पी के साथ एंड उसी जोश के साथ हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं द पंच स्टोन एडिशन, जो ग्रे कलर की गाड़ी के लिए हमारा कॉन्सेप्ट डिज़ाइंड है बाय साई ऑटो एक्सेसरीज। अगर वाइट गाड़ी के लिए गोल्ड एडिशन बना है तो उसी तरीके से जो पंच में मेटालिक ग्रे कलर आता है, एडवेंचर मॉडल ये बार हमारे पास आया हुआ है। एकॉम्प्लिश्ड हमने लास्ट टाइम देखा था, एक ग्रे कलर की गाड़ी अगर आपके पास है तो किस तरीके से जो कॉन्सेप्ट इसके अंदर हमने इनोवेटिव किए हुए हैं आप लोगों के सामने है। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंट्री शॉट्स पे भी इस गाड़ी का नाम हमने रखा हुआ है, द टाटा पंच स्टोन एडिशन। ये नाम इसका है बिकॉज ऑफ द स्टोन शेड इंटीरियर स्टाइलिंग किट, जो ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट टाइम पंच में हम लॉन्च कर रहे हैं। डैशबोर्ड रैपिंग्स आपने देखी होंगी अलग अलग कलर में, हमने भी की थी लास्ट टाइम ग्रे कलर में, गोल्ड कलर में सॉरी, बट कस्टमर आए थे कुछ अलग अप्रोच के साथ हमारे पास, बोले कि घाई मेरे को बिल्कुल भी नहीं है, आप एक हफ़्ता मेरी गाड़ी को रखिए अपने पास, बट ऐसा मुझे गाड़ी बना के दीजिए कि ये लगनी नहीं चाहिए कि ये एक 6-6.5 लाख की मैंने गाड़ी ली हुई है। द मिनी एसयूवी जिसको हम बोलते हैं, इंस्पायर्ड फ्रॉम द टाटा हैरियर, इंस्पायर्ड फ्रॉम द ऑल द टाटा कार्स, किस तरीके से जैसे नेक्सॉन में एक डैशबोर्ड आता है, रेगुलर पंच में रेगुलर ग्रे डैशबोर्ड ही आता है, बट उस डैशबोर्ड को एक हमने हाइड्रोफोबिक कोटिंग की हुई है स्टोन यानी कि पत्थर के शेड में, जिसमें ब्लैक एंड ग्रे के आपको हल्के से मार्बल या ग्रेनाइट के शेड्स दिखेंगे। किस तरीके से ये शेड हमने डैशबोर्ड पे, चारों पावर विंडो पे एंड पियानो ब्लैक हैंडल्स ऑलरेडी आते हैं डिफ़ॉल्ट, मिरर कैप्स पे, ऑल द 10 पीसेस इन द कार, चार पावर विंडो के 4 पीस, डैशबोर्ड के हमारे 2 पीस हो गए 6 और 4 पीस हमारे मिरर कैप्स के आगे के 2 पीछे के 2। किस तरीके से जो गियर के इधर का भी कॉन्सोल है एक एक पीस, ये जस्ट सी द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टोन इन द टाटा पंच की किस तरीके से ये स्टाइलिंग किट उठ के निखर के आ रही है। जब हमारी स्टोन एडिशन है तो एक्सक्लूसिव सीट कवर्स भी हमको उसके अंदर लगाने हैं टॉप गियर ब्रांड के, स्पेशल फॉर द ऑटो एक्सेसरीज। टॉप गियर ब्रांड इज ऑल ओवर इंडिया, इंडिया के हर स्टेट में इसकी एक आउटलेट है, बट साई ऑटो जो वाशी नवी मुंबई के लिए स्पेशली डेवलप्ड ये पैटर्न जो कंपनी ने दिया हुआ है, लास्ट टाइम भी पंच में हमने देखा था, अलग कॉम्बिनेशन था इंटीरियर का, द पर्शियन ग्रीन इंटीरियर इसके अंदर हमने किया है। और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा कि ये कलर आपको कैसा, ग्रे तो ये गाड़ी में देखते ही हैं, बट जो हमारा पर्शियन ग्रीन ऑल टाइम फेवरेट कलर है, जो डार्क ग्रे कलर की गाड़ी के लिए रिकमेंडेड है, सी द मेंट क्वालिटी ऑफ दी सीट कवर्स। ये अल्ट्रा सॉफ्ट आते हैं, ये 2 वर्टिकल बैग्स जो आते हैं इसके अंदर ही कुशनिंग के, ये वेरी कंफर्टेबल है और ज़रा भी आपको पीठ दुखेगी नहीं ये सीट कवर लगाने से। जो पैटर्न्स भी इसके अंदर है, बाकी अल्ट्रा कंफर्ट और भी कंपनियां बनाती है, बट टॉप गियर एक ही ऐसी ब्रांड है जो कुशनिंग के साथ डिज़ाइन भी आपको ऑफर करती है विद द टॉप गियर ब्रांड लोगो। सी द फिटमेंट क्वालिटी ऑफ दीज सीट कवर्स। सीट कवर्स को मैच करते हुए चारों दरवाज़ों में जो हमारा सा थोड़ा सा पैच आता है यानी कि सेक्शन आता है, उसको भी हमने पर्शियन ग्रीन इसमें रैप किया हुआ है।
स्टेयरिंग को भी हमने पर्शियन ग्रीन इसमें रैप किया हुआ है। बहुत जरूर करिएगा कि ये कलर कॉम्बिनेशन कैसा आप लोगों को लग रहा है। द ऑडियो अपग्रेड हैज बीन डन इन द कार। किस से एक डैम्पिंग का कॉन्सेप्ट हमने किया हुआ है टाटा पंच के अंदर, बहुत ज़रूरी है क्योंकि भले टाटा के डोर्स मजबूत आते हैं एज़ कम्पेयर टू मारुति एंड ह्युंडई, फिर भी जो वाइब्रेशंस है आप लोग देख सकते हैं कि दिस इज़ अ मेटल सरफेस विदाउट डैम्पिंग एंड दिस इज़ विद डैम्पिंग। चारों दरवाजे में हमने की है वाइब्रोमैक्स की मेड इन रशिया की डैम्पिंग आती है जो पूरे दरवाज़ों को कम्प्लीटली कवर करती है। स्पीकर्स हमने ये गाड़ी के अपग्रेड किए हैं, एडवेंचर में लग के आते थे फिर भी सर को मज़ा नहीं आ रहा था। ट्यूटर लगने की जगह दी है बट ट्यूटर नहीं दिए हैं, तो हमने ट्यूटर्स भी इंटीग्रेट किए हैं जो हमारे हर्ट्ज ब्रांड के आते हैं। सो हर्ट्ज के ट्यूटर हर्ट्ज के कॉम्पोनेंट के साथ चारों दरवाजे में डैम्पिंग के साथ ये गाड़ी के ऑडियो को हमने अपग्रेड किया है। द हर्ट्स ब्रांड कंपोनेंट्स आप लोग देख सकते हैं। एक खास एक जब हम एडिशन लॉन्च कर रहे हैं कुछ तो हम लोग उसके अंदर करेंगे। द एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैज बीन कार सीट, जैसे ही आप लोग देखते हैं कि पीछे की सीट में प्योर हो या एडवेंचर हो, इसमें हेडरेस्ट एडजस्टेबल नहीं आता है। द एडजस्टेबल हेडरेस्ट जिसमें आप सर रखते हैं पीछे, आप अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको हमने एडजस्ट किया हुआ है। सो एडजस्टेबल हेडरेस्ट पंच में नहीं लग के आते हैं, हमने लगाए हुए हैं। ये एडवेंचर वेरिएंट आता है, इस तरीके से इनकी भी इंस्टॉलेशंस हैं आप लोग देख सकते हैं। द एडजस्टेबल हेडरेस्ट, एक पर्शियन ग्रीन इंटीरियर, एक स्टोन एडिशन स्टाइलिंग किट एंड द ऑल न्यू लॉन्च द के अंदर हमने लगाए हुए हैं, जो टाटा जेन्यून अलॉयज टॉप मॉडल में तो आप देखते ही हैं बट स्टोन यानी कि जो पत्थर का कलर है उसी कलर के अलॉयज हमने लगाए हुए हैं। किस तरीके से इन अलॉयज का डिज़ाइन है, जो टायर पंच के आते हैं R15 15 इंच के आपके ही टायर हैं जो अलॉय हमने लगाए हैं, वो भी ग्रे कलर कार से मैचिंग। सो द 15 इंच स्टोन एडिशन अलॉयज, द पर्शियन ग्रीन इंटीरियर अलॉन्ग विद द स्टेयरिंग अलॉन्ग विद द डोर्स, किस तरीके से ये गाड़ी का सेटअप हमने किया हुआ है। डे शूट इसका हमने देखा है, इसका हम नाइट शूट अभी देखेंगे। इसमें DRL, हेडलाइट के बल्ब, प्रोजेक्टर फॉग लैंप, एम्बियंट लाइट सब विद द इल्यूमिनेटेड नंबर प्लेट हमने लगाया है। सो स्टे दिन का हमने देखा था, नाइट शूट पे आते हैं जो 10 LED अपग्रेड्स हमने पंच एडवेंचर मॉडल पे किए हुए हैं। इसका रात का लुक देख सकते हैं कि एक एक लाइट का एलिमेंट जो ये गाड़ी के अंदर हमने ऐड किया है, जैसे इस एडिशन का नाम है स्टोन एडिशन। यू कैन जस्ट सी द नाइट लुक ऑफ द कार। दिन में भी DRLs की ब्राइटनेस हमने देखी थी बट जब लाइट्स वगैरह ऑफ है डार्क मोड में हम लोग देख सकते हैं कि जो बोनेट स्कूप DRL की आउटलाइनिंग है जो कंप्लीट बोनेट को कवर करती है स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट एक्सट्रीम कॉर्नर टू द राइट एक्सट्रीम कॉर्नर, जो फर्स्ट एक्सेसरी इसके अंदर हमने लगाई है जो लास्ट वीडियो में भी हमने देखी थी। प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स को हमने लॉन्च किया हुआ है, द IPH M617 LED प्रोजेक्टर्स जो आते हैं, ये खाली फॉग लाइट ऑन है नीचे की तरफ, इसके ये डी कर्व्स देख सकते हैं, कोई HID वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है, LED प्रोजेक्टर है जो यू शेप में पीछे से लेके आगे तक कंप्लीट रोड लेंथ को कवर करते हैं। दो बल्ब हमने लगाए हैं जो कंपनी की वर्चुअल हेडलैम्प ऊपर की तरफ आती है या फिर जो हैरियर इंस्पायर्ड डिज़ाइन है। एक तो हमने पार्किंग का बल्ब डाल दिया है, जो पहले हैलोजन था उसको हमने वाइट LED में अपग्रेड किया है। दूसरा जो इंडिकेटर था यहाँ पे, वो रेगुलर ऑरेंज इंडिकेटर था, उसको भी हमने वाइट LEDs में कन्वर्ट किया हुआ है। बोलने का मतलब क्या है, तो DRL भी वाइट है, इंडिकेटर के सेक्शन में भी वाइट लाइट जल रही है एंड पार्किंग के इसमें भी वाइट जल रही है, बट व्हेन यू टर्न ऑन द इंडिकेटर तो जो वाइट थी वो ऑरेंज में स्विच हो जाती है, यानी LED आती है, टोटली ब्राइट लाइट इसके अंदर आती है। जो हेडलाइट के बल्ब आते हैं वो भी हमने अपग्रेड किए हुए हैं टू द LED लुक, जिसके अंदर वाइट लाइट भी है। चाबी कंटिन्यू करो। हेडलाइट के भी जो बल्ब आते हैं हमने अपग्रेड किए हैं LEDs में, बट इनकी पावर एंड रोड कवरेज हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से है, वाइट लाइट भी है
टर्न ऑफ एंड टर्न ऑन येलो मोड का कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ है, जो 3000 केल्विन की पीली लाइट है, विच इज़ वेरी इफेक्टिव इन द फॉग। तो एक रोड कवरेज देख सकते हैं, हम अपने स्टूडियो में ही शूट ले रहे हैं, फिर भी आप लोग लाइट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पंच में हेडलाइट कंपनी ने दी है। एंड ये फीचर टॉप मॉडल में भी नहीं है, अगर हम क्रिएटिव मॉडल लेते उसमें भी प्रोजेक्टर तो दे दिए हैं, बट वाइट हेडलाइट है, येलो का मोड नहीं है। तो द 3000 केल्विन लाइट विच इज़ वेरी इफेक्टिव इन फॉग हमने लगाई है हेडलाइट में, प्रोजेक्टर्स लगाए हैं नीचे, डिम लाइट के बल्ब चेंज हैं, इंडिकेटर्स के बल्ब चेंज हैं, DRLs के साथ। ये पांच चीज़ें जो हमने आगे की तरफ लगाई हैं, फर्स्ट इज़ द DRL, सेकेंड इज़ द पार्किंग बल्ब, थर्ड इज़ द इंडिकेटर बल्ब, फोर्थ इज़ द हेडलाइट बल्ब, फिफ्थ इज़ द प्रोजेक्टर फॉग लैम्प विथ अ इल्यूमिनेटेड नंबर प्लेट, जो हमारे पर्शियन ग्रीन का कॉन्सेप्ट है। किस तरीके से इस गाड़ी का लुक है हम लोग देख सकते हैं। जो मेन एंड जो इसका प्रोमिनेंट लुक है, एम्बियंट लाइट का जो सेटअप ये गाड़ी के अंदर हमने किया हुआ है, सी द इंटीरियर, सी द लग्जरी, सी द क्लास। जो चारों दरवाज़ों में कर्व्स हैं वो एक स्ट्रॉ ऑफ लाइट से हमने कवर किए हैं। जहाँ पे हम हैंडल खोल रहे हैं वहाँ पे भी सेम कलर के प्रोजेक्शंस हमको मिलते हैं। बॉटल जहाँ पे हमने रखी हुई है वहाँ पे भी डोम लाइट्स ऐड की है। पाँव जहाँ पे रखते हैं वहाँ पे फुट लाइट्स एडेड हैं, जहाँ पे हम पाँव रखते हैं। द इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट्स, दरवाज़ा जैसे ही आपने खोला, पंच नाम एंड इल्यूमिनेशन भी इसके अंदर दिया हुआ है। बट एक जो डैशबोर्ड का कर्व दौड़ रहा है दरवाज़ों के साथ, इस गाड़ी का एम्बियंट लाइट का भी सेटअप देख सकते हैं। मोबाइल ऐप बेस्ड है, जो कलर पे आप इसको स्विच करना चाहे कलर पे इसको आप स्विच कर सकते हैं। बट सी द फिनिशिंग, एंड बहुत मेहनत लगती है पंच में, बहुत हार्ड फाइबर्स दिए हुए हैं, एक एक लाइट सेटअप करने के लिए मेहनत काफ़ी लगती है। इसमें आर्म रेस्ट नहीं लग के आता है, ये गाड़ी के अंदर हमने लगाया हुआ है दोनों सीट के बीच में हाथ रखने वाला। इसकी जो मोमेंट है वो भी आप लोग देख सकते हैं, आगे पीछे भी है, हाइट एडजस्टमेंट के साथ है, मतलब आर्मरेस्ट आपका यही पोजीशन पे है बट एक हाइट हमको मिल रही है जो हमारे गियर को एक्सेस हो रहा है। हैंडब्रेक में भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, आप लोग देख सकते हैं एकदम फ्री मूवमेंट है। पर्शियन ग्रीन कलर जो हमारा थीम है उसी कॉन्सेप्ट से हमने लगाया है। टॉप गियर ब्रांड की हमारी फ्लोर मैट्स है, जो 7D कॉन्सेप्ट में है, वंस अगेन ब्लैक विथ अ आइस ग्रे बॉर्डर विथ अ हनीकॉम्ब। पाँव इसके ऊपर रखा, कचरा वगैरह जो भी जमा होता है, द अपर पार्ट इज रिमूवेबल एंड ईजी टू क्लीन। एक फ्लोर मैट्स भी देख सकते हैं, मतलब हर चीज़ में हमने एक लग्जरी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है। भले ये गाड़ी कंपनी ने इकोनॉमिकल बजट में निकाली है, बट इस पर अगर एक ब्रैकेट में आप मॉडिफिकेशन करते हैं तो ये गाड़ी से अच्छा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पिलर नंबर ए इन द फ्रंट, द टू वर्टिकल पिलर्स, पिलर नंबर बी इन द सेंटर, एंड द लास्ट पिलर, पिलर नंबर सी, ऑल द 6 पिलर्स हैव बीन लेदर रैप्ड इन द पर्शियन ग्रीन कलर। एक पर्शियन ग्रीन सीट कवर, उसको मैचिंग आर्म रेस्ट, उसको मैचिंग स्टेयरिंग, उसको मैचिंग पिलर्स, उसको मैचिंग डोर लेदर, उसके साथ स्टोन एडिशन का कॉन्सेप्ट, उसके साथ एम्बियंट लाइट, ये सब चीज़ें जब मिलती है तभी एक स्टोन एडिशन का कॉन्सेप्ट आप लोग के सामने है। ये पुराने रिम्स आते हैं, आप लोग देख सकते हैं, जो 15 इंच के कंपनी के रेगुलर ये व्हील कैप्स ही हमको लग के आते हैं। सो ये रिप्लेस करके जो हमने अलॉयज लगाए हैं स्पेशली स्टोन एडिशन के, एक कमेंट ज़रूर करिएगा कि कैसा आप लोग को इसका शेड एंड इसका लुक एंड इसका अपीयरेंस उसके अंदर लगा। हाफ बॉडी वाइट है, ग्रे कार थी, रूफ एंड साइड पैनलिंग्स एंड द रियर स्पॉइलर हमने वाइट, डार्क एंड लाइट का हमने कॉम्बिनेशन इसमें सेट किया है। एक मिनी SUV जैसा इस गाड़ी को बोला जाता है, तो एक मिनी SUV के हिसाब से ही हमने इसको बनाया हुआ है। और आगे टाइम में हम प्योर का भी मॉडिफिकेशन देखेंगे। टेल लाइट्स पीछे की आ गई हैं, जो टॉप मॉडल की अपग्रेड हम देखेंगे। हेड लाइट्स टॉप मॉडल की आ गई हैं, पावर विंडो टॉप मॉडल में देखेंगे, एंड अलॉयज भी देखेंगे कि किस तरीके से है। बट जो थोड़ी सी ग्राफिक डिज़ाइनिंग हमने ग्रिल में की है, जो हमारे स्टोन एडिशन का थीम है, जो हमारा लोगो है, जो पंच की बैजिंग है, एक एक चीज़ पे ये गाड़ी पे दिल और जान से हमने मेहनत की है। सो कस्टमर का भी इंटरव्यू हम लोग देखेंगे, स्टे ट्यून्ड फ्रेंड्स। टच स्क्रीन प्लेयर ये गाड़ी में नहीं लग के आता है, इसमें हमने लगाया हुआ है नेट प्ले ब्रांड का। इसकी फ्रेम भी लॉन्च हो गई है कि किस तरीके से इस प्लेयर को हमने फिट किया है, ये नहीं कि कोई भी यूनिवर्सल हमने इसमें लगा दिया है। विथ ऑल द कैनवस कंट्रोल्स के साथ आप लोग देख सकते हैं, 3 दरवाजे गाड़ी के खुले हैं, तो 3 इंडिकेशंस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। ये आपने बंद किया तो ये बंद भी हो जाते हैं।
वॉल्यूम आपकी यहाँ से भी कंट्रोल हो रही है। उसके बाद आपका जो एक एक फीचर स्टेयरिंग के कंट्रोल कंपनी के एक्सेसिबल है। सो कैनवस का मतलब ये बटन भी आपके चालू रहेंगे, ये बटन भी आपके चालू रहेंगे। सो किस तरीके से एक कैनवस कंट्रोल को हमने इसमें इंटीग्रेट किया हुआ है आप लोग देख सकते हैं। एंड्रॉयड प्लेयर है जिसमें रिवर्स कैमरा हमने ब्लॉपंक का लगाया हुआ है, डिज़ाइंड इन जर्मनी का। जो डोम कैमरा इसके अंदर हमने सेटअप किया हुआ है आप इसकी क्लैरिटी देख सकते हैं। ये कार के अंदर जो फीचर्स भी हमको मिल जाते हैं, इट इज़ विद ऑफलाइन मैप, बिना इंटरनेट के भी रास्ता दिखाने का सिस्टम इसमें दिया हुआ है। इंटीग्रेटेड वीडियोस दिए हुए हैं, यूट्यूब आपको दिया हुआ है। किस तरीके से इस प्लेयर की ट्रीटमेंट है विद अ पिकाशो है जिसमें लाइव टीवी आप देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, हर चीज़ आपको इसके अंदर मिलती है। सो नेटप्ले का एंड्रॉयड म्यूजिक सिस्टम, डैम्पिंग हमने की है, स्पीकर्स हमने चेंज किए हैं, इसका इफेक्ट भी हम लोग सुनेंगे। सो किस तरीके से एक पंच एडवेंचर मॉडल का जो मोस्ट अवेटेड हमारा वीडियो था इसको हमने मॉडिफाई किया है आप लोग देख सकते हैं। सो विवेक जी भी है हमारे साथ, ओनर ऑफ द कार, जिनकी ये पंच एडवेंचर मॉडल हमने तैयार की हुई है। ये फर्स्ट इंक्वायरी मुझे आई थी व्हाट्सएप पे कि पंच जब लॉन्च भी नहीं हुई थी तब सर ने कार बुक कर दी थी एंड पूरे भरोसे पे हमारे पास आए थे कि गाड़ी आपसे ही मॉडिफाई करनी है। उन्होंने बोला शोरूम में इतनी वेटिंग है तो एक हफ्ता आपके पास भी छोड़ देंगे, सोचेंगे कि एक हफ्ता और गाड़ी लेट मिल रही है। सो वन वीक ये गाड़ी मेरे पास थी और बहुत दिल से इसको हमने स्टोन एडिशन में कन्वर्ट किया है। चेंजेस तो आपने देखे ही है एंड सर का हमको फुल सपोर्ट था। जो चीज़ मैंने सजेस्ट की सर ने बोला कि आपकी खुद की गाड़ी है, आप इसको समझिए कि आपकी खुद ने एक पंच ली है तो उसका क्या इंटीरियर होना चाहिए। कलर मैंने डिसाइड किया है, ऑडियो अपग्रेड हमने डिसाइड किया है, बट सर का फुल सपोर्ट हमें रहा है। ओवरऑल गाड़ी कैसी लग रही है सर एंड कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस है आप खुद बताइए कि ये स्टोन एडिशन जो हमने बोला है ये एक्चुअली लग रहा कैसा? एक्चुअली इसे स्टोन एडिशन ही लग रहा है पूरा। अगर हम जो गाड़ी लेते लग्जरी आइटम है, अगर आपको गाड़ी अपने चलाने के टाइम में लग्जरी फील चाहिए तो आपको यहाँ पे वो जो आपको आना ज़रूरी है। जितना वीडियो में दिख रहे हो उससे बढ़िया गाड़ी आपको दिखेगी। आप जब भी खुद से इधर आओगे, जब भी आप इनका पास जो जो ऑप्शंस है वो आप देखोगे तो आप और बोलोगे कि ये अरे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। हमने जो सोचा था उससे और 10 कम करा के जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि वो सारा लाख काम लग रहा है कि वो चाहिए गाड़ी, ज़रूरी है। ओके सर, क्या सर, थैंक यू करेंगे आपको, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे कार के लिए। कैसी लग रही है सर गाड़ी ओवरऑल, जो इंटीरियर स्पेशली? एकदम जो जिस हिसाब से हम लोग ने लिया था अभी वो गाड़ी इंटीरियर में बहुत फ़र्क आया है। इंटीरियर में तो एकदम ज़्यादा फ़र्क आया, लाइट्स में भी, वो भी। सिर्फ मेरे लिए मेरे को एक ही चीज़ बोलना है कि जो भी इधर आएगा बजट अपना फिक्स करके मत आना। yes. क्योंकि इधर आके आपको बहुत कुछ चीज़ें ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जो आपको ऐसा लगेगा ये भी मेरे को करना है बट बजट सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो पहले ये एक प्री कंडीशन लेके मत आना बजट का, बजट इधर आना, इनसे डिस्कस करना, ये थोड़ा बहुत आपको सब रीजनेबल में करके दे देंगे जो भी करना है वो। ओके सर, तो वैसे करना। थैंक यू सो मच। मैडम कैसी लग रही है? वो आप देखेंगे वीडियो में उन रोई जी आफ्टर एंड बिफोर वाला पिक डालेंगे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि उन्होंने कार कैसे बनाया हुआ है। एंड हम लोग को तो 100% सेटिस्फेक्शन है कार से, जो हिसाब से उन्होंने बनाया। तो आप लोग देख सकते हैं कि स्टोन एडिशन किस तरीके से है और हम एक से एक बढ़ के मॉडिफिकेशन देखेंगे, बट जितना मेरे से हो सका इसको हमने टॉप एंड मॉडल के फीचर्स, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, टच स्क्रीन प्लेयर, फोर कॉम्पोनेंट्स, डैम्पिंग विथ अलॉयज, हर चीज़ हमने देखी हुई है, DRLs, प्रोजेक्टर्स एंड LED अपग्रेड के साथ। सो लाइक ज़रूर करिए वीडियो को, कमेंट ज़रूर करिए, लाइक वगैरह करना चाहिए सर जितने, लाइक ज़रूर करना चाहिए। और इनका सारा वीडियो आपको देखना चाहिए, क्यों देखना चाहिए कि आपको आइडिया मिलेंगे वो जो क्या क्या ऑप्शंस है। पंच का एक भी वीडियो नहीं था हमारा, फिर भी सर ने नेक्सॉन के देखे थे तो वही आइडिया से उन्होंने बोला था ये भी हमको कर। फिलहाल टाटा पंच के पार्ट्स भी अवेलेबल नहीं थे तो भी उन्होंने जो भी पार्ट्स अरेंज करके काम पूरा कर दिया है। आपको ये पहला वीडियो नहीं रहेगा, इसमें और बहुत सारे वीडियो आएंगे। आपको सारे वीडियो इसलिए देखने हैं कि आपको ऑप्शन मिलेंगे क्या क्या ऑप्शंस है इनके पास कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। ओके, लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को, चैनल को आप वो जो लाइक किए, गाड़ी हो ना हो सर, आज गाड़ी नहीं कल गाड़ी लोगे ना, आपको यहाँ ही आना पड़ेगा। जिन्होंने काम किया है वो भी यहाँ पर आना चाहिए, इसीलिए चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।